अनुशासन के बगैर कोई सफलता कभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी मिलती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, तो मिल ही गया, क्या जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आज 227 खिलाड़ी इस पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशासन के अंदर भी अलग अलग स्तर पर हम उन खिलाड़ियों को अवसर दे रहे हैं और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि अपनी खेल कूद की गतिविधियों को आप लोग जारी रखें। अनुशासन के बगैर कोई सफलता कभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और उस अनुशासन को खेल, हम किसी भी व्यक्ति को क्यों बोलते हैं, किसी भी युवा को क्यों बोलते हैं कि भाई खिलाड़ी से कुछ प्रेरणा लो। खिलाड़ी वही सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है जो स्वयं अनुशासित होता है और साथ साथ टीम गेम कैसे होता है, आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से कैसे हम अपने विपक्षी पर भारी पड़ सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हुई जो टीम काम करती है उसे सफलता प्राप्त होती है। और ये समन्वय और संवाद का ये आपसी समन्वय, यह किसी भी टीम को हमेशा सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है और एक खिलाड़ी के अंदर का ये भाव, इसके लिए परिश्रम, इसके लिए मेहनत। और इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे, इसमें आज जैसे खेल विभाग ने किया है जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, एक उम्र के बाद स्वाभाविक रूप से खिलाड़ी उस स्थिति में नहीं होता कि वो खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले सकता, लेकिन कोचेज का काम तो कर सकता है, कोच के रूप में काम कर सकता है। हम लोगों ने ऐसे भी 150 कोचेज को रखने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उन्हें 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मानदेय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम उनको कर रहे हैं, जो छात्रावासों में जाकर के खिलाड़ियों को अलग अलग खेल में प्रशिक्षित कर सके। अभी आपके पास जो आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम का हिस्सा बनकर के अच्छी खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करिए, एक माहौल पैदा करिए पुलिस लाइन में या पुलिस में जहां भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है वहां पे एक खेल का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक मंच वहां बनाइए। होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी मिलती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, अब तो मिल ही गया, अब क्या करना है, वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस खेल प्रतिस्पर्धा में देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके, ये आपका भाव होना चाहिए। ये कार्य अगर आप करेंगे तो हमारे नए खिलाड़ियों को भी और आने वाले समय में पुलिस बल का हिस्सा बनवाने में आपको भी, पुलिस विभाग को और पुलिस की जो हमारी भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है उसको भी एक अवसर मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की हमारी टीम फलाने फलाने खेल की अच्छी टीम जो हमारी बनी हुई है, ये टीम अच्छा स्थान प्राप्त कर रही है, हमें कुछ नए खिलाड़ी इसके लिए चाहिए, तो ये उस टीम का हिस्सा बनेंगे, उसमें हमें अभी से अपनी तैयारी करनी होगी, इसके लिए हम उस लगातार कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज आपकी वर्षों की जो तमन्ना रही होगी, आपके माँ बाप ने जो मेहनत आपके साथ की होगी, आज जो फलीभूत हुई है, इस नियुक्ति पत्र के प्राप्त होने के साथ फलीभूत हुई है। आपके माता पिता को, आपके अभिभावक को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ।